लीजिए रामगढ़ जी, और ये आप लोगों का बस प्यार है और क्या कहें। तो जो भी हाईवे पर इधर उधर कहीं मिलता है वैसे प्रभु जी जी, तो उस सब के लिए हम हमारी संस्था काम कर रही है जी जी, और आने वाले टाइम में हम उस सब के लिए एक आश्रम का भी निर्माण करने जा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार। तो आज देख सकते हैं हमारे साथ हमारे मित्र और हमारे फ्रेंड यहाँ पे राम उद्गार जी है, और यहाँ पे प्रियांशु है, और हमारे सीनियर सर है सुशील जी। तो आप जैसे कि जानते हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल आज 105 सब्सक्राइबर गेन कर चुका है, तो उसी पार्टी सेलिब्रेशन के लिए आज हम लोग खुशी से यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, केक मंगवाए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। तो आप लोग इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो है सो हम इस मवेशी के फील्ड में लगभग 10 साल से हैं, और हम ऑफलाइन के सेवा लगभग 10 साल से दे रहे हैं, और इस 15 से 20 दिनों के अंतराल में हमने सोचा कि क्यों ना हम एक YouTube चैनल बनाएं, और YouTube चैनल बनाने के बाद हम क्यों ना लोगों को ऑनलाइन के थ्रू कहीं कोई गाय बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, या कोई ट्रीटमेंट है, लोगों को कोई जानकारी का कमी है, या कोई डॉक्टर्स हैं जो 10 महीने 8 महीने 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको किसी चीज का कमी है, वो जानना चाहते हैं, इसके पर्पज से हमने लक्ष्मी सेवा के लिए हमने इस चैनल को बनाया है। और हमने सोचा है कि आगे अगर आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहा, तो हमारा ये जो चैनल है आज 100 सब्सक्राइबर गेन किया है, और आपके प्यार से और सपोर्ट से आने वाले समय में हमें उम्मीद है, और आपके प्यार से इसी तरह से कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर और 1000 सब्सक्राइबर होने में कोई समय नहीं लगेगा, है ना सुशील सर? तो बस आप लोग इसी तरह से हमारे साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि हम आपके लिए इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट डालें। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि हम बच्चा निकालना, ट्रीटमेंट, AI, सिंक दागना, जो भी छोटे छोटे चीज है वो मैं डालते रहता हूँ, और मेरा प्रयास है और हमारे सुशील सर का भी प्रयास है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस चीजों के इम्प्लीमेंटेशन, यानी इस चीजों को बारे में बताने का जो मेरा पहला पर्पस है, मैं उसका उद्देश्य और उसका श्रेय हम अपने सुशील सर को दूंगा, क्योंकि इस फील्ड में हम मवेशी के लाइन में लगभग 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन मैं कभी भी ऑनलाइन के बारे में नहीं सोचा कि हाँ बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ऑनलाइन है, कोई भी तरह का समस्या होता है वो ऑनलाइन ही मतलब सर्च करते हैं कि मेरी गाय बीमार है कुछ भी। लेकिन हमें एक बार सुशील सर बताया कि डॉक्टर साहब आप 10 साल से या 8 साल से जो कर रहे हैं, तो क्यों ना इस चीजों को आप ऑनलाइन इंटरनेट यूट्यूब के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन कर दें, कि लोगों को ऑनलाइन भी जागरूक किया जाए। लक्ष्मी सेवा आप गांव देहात एरिया में कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से ऑनलाइन कर दें तो लोगों को और अच्छा हो जाएगा। तो मैं सुशील सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और आप लोग इसी तरह से प्यार और बनाए रखिए। तो चलिए हम दो शब्द कुछ सुशील सर से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सुशील सर कुछ हमारे ऑडियंस व्यूअर्स को कहना चाहेंगे। धन्यवाद रंजन जी, ये डॉक्टर साहब हैं, ये ऑफलाइन से अभी बहुत दिन से चल रहे थे, लगभग हमारे यहाँ भी वेटनरी का इलाज करते हैं, यही सर करते हैं, और ऑफलाइन में चल रहे थे, तो हमारा इच्छा हुआ कि अरे डॉक्टर साहब हैं ऑफलाइन में हैं, तो चलिए ऑनलाइन भी आ जाइए, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। अभी सारा चीज आ रहा है ऑनलाइन, तो हमने भी कहा सर को, और सर की अपना कर रहे हैं बहुत बढ़िया, इनके लिए इनको कंग्रेचुलेशन जी कि 100 सब्सक्राइबर आप लोग के प्यार और सपोर्ट के बिना नहीं संभव था। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट भी धन्यवाद जी जी, इसी तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए जी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जी, जो लोग नए हैं। और हमारे मित्र हैं राम उद्गार जी, कुछ आप भी कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो कोई बात नहीं है, चलिए आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। ये प्यार होता है, आप लोगों का ये प्यार है जो मैं ये वीडियो क्यों डालता हूँ, आप लोगों के प्यार के वजह से, आप लोगों के सपोर्ट के वजह से, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको पता है कि हमारे जो डॉक्टर साहब है वो डेली एक वीडियो कोई ना कोई डालने वाले हैं, क्योंकि मैं डालता हूँ रामगढ़ जी, और मेरा
फर्ज भी है कि मैं कहीं कोई किसान है, कोई मवेशी बीमार है, तो मेरा पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि अगर मैं कोई वीडियो डाल दूं जिससे कि मेरे गांव में, समाज में, किसी स्टेट में, किसी जिले में, कहीं किसी देश में लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कोई हेल्प हो जाए, जी इसी के मदद से, इसी चीजों को इसीलिए हम दिखा रहे हैं और जागरूक करना चाहते हैं। लक्ष्मी सेवा के उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। तो उसी खुशी में आज देख सकते हैं कि यहाँ हमने अपने चैनल के नाम से थोड़ा सा कैमरा करके यहाँ दिखाया, अगर आपको हम ये देख सकते हैं वेटनरी ट्रीटमेंट एंड एआई सॉल्यूशन, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आज हम यहाँ पे इस केक को काटने वाले हैं। तो आप जहाँ भी हैं, आप नहीं आए हैं, फिर भी आपको ढेर सारा प्यार और क्या कहें, इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिए डॉक्टर साहब के ऊपर में। और आपको हम अच्छे अच्छे कंटेंट और जो भी आप कमेंट करेंगे, मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ अच्छे अच्छे चीजों डालने का, अच्छे अच्छे चीजों बताने का, जिससे कि आप, जैसे कि गांव देहात में देखते हैं कि बहुत सारे आदमी हैं मवेशी रखे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मवेशी को अच्छे तरीके से कैसे ट्रीट करें, कैसे उसको रखे जिससे हमारा पशु बीमार ना हो। तो उसी चीजों के बारे में मैं अब बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इस कॉन्टेंट को इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से अपने मवेशी को ट्रीट कर पाए। तो चलिए, अगर इतना आपने अगर देख लिया और अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमें इससे सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है। जो हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। आगे हम यहाँ पे हमारे जो सर हैं और हमारे रामुद्गार जी हैं, हम लोग मिलके यहाँ पे केक को काटेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। YouTube सबसे पहले हम सुशील सर को खिलाएंगे यहाँ पे केक। मिलीजिए सर, लीजिए रामगढ़ जी। और ये आप लोगों का बस प्यार है और क्या कहें, बस इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग नहीं आए, फिर भी आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे आज हम लोग 100 सब्सक्राइबर का इस तरह से खुशी सेलिब्रेट किए हैं। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं इससे अच्छा सब्सक्राइबर हो और इसे अच्छा सेलिब्रेट कर पाए। लो बाबू, तू लोग भी थोड़ा ले लो बाबू, इधर कैमरे में आओ, भाग ले सब्सक्राइबर को भी खिलाइए। मामा जी आओ, ये देख सकते हैं बच्चा पार्टी लोग यहाँ पे हम लोगों के साथ, जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जहाँ तक हो सका हम लोगों को बुलाए हमारे ये सर हैं और हमारे रामुद्गार जी हैं, तो हम लोग आपस में सेलिब्रेट कर पाए और आपको दिखाए कि जो हम लोगों के मन में जो खुशी है ना सुशील सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीजों को आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते थे। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हम लोग, आप लोग जैसे कि बताए कि हम लोग लक्ष्मी सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो हम लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे सुशील सर हैं, इन्हीं का एनजीओ चल रहा है, राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान जी। जिस सेवा संस्थान में हम लोग शोषित वर्ग समाज के जो व्यक्ति हैं उनको हम लोग फीडिंग करने का काम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कुछ दो शब्द हम एनजीओ के बारे में भी हम सुशील सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सुशील सर क्या दो शब्द कहेंगे अपने तरीके से। बिल्कुल, धन्यवाद जी सर। हमारी एनजीओ अली राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान, जितने भी शोषित वंचित जिसको कोई नहीं देख रहा है, आप रोड पर चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, वहां पर आपको उस व्यक्ति के लिए कोई नहीं देखने वाला है, जिसको हम लोग पागल कह के छोड़ देते हैं, उनके साथ दो शब्द बात कर लेते हैं हम, और उन्हें एक टाइम का फीडिंग अभी हम लोग करवा रहे हैं। तो जो भी हाईवे पर इधर उधर कहीं मिलता है वैसे प्रभु जी, जी। तो उस सब के लिए हम, हमारी संस्था काम कर रही है जी, जी। और आने वाले टाइम में हम उस सब के लिए एक आश्रम का भी निर्माण करने जा रहे हैं जी। तो आगे हम लोग एक आश्रम बनाएंगे, जो कहीं पर उस तरह का व्यक्ति अगर मिलेंगे
तो उनका इलाज करा करके और वहाँ हम रखेंगे, जब तक उनके परिवार का कोई भी सदस्य न आकर के ले जाए तब तक हम लोग रखने का उसको काम करेंगे। तो इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और हमारे सर हैं तो फील्ड में काम कर ही रहे हैं, वेटनरी फील्ड में, तो गौ माता की सेवा ये कर रहे हैं और हमारी एनजीओ हमारे मानव सेवा कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी इस संस्था के अभिन्न अंग हैं। जी, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं समाज को बदलना, समाज को हम लोग बदलना चाह रहे हैं। जी, एक कहानी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आप लोग को, छोटी सी कहानी है। उसमें एक गांव में आग लग गया था, तो वहां पर सारे आदमी, गांव के आदमी आए पानी लेकर के बुताने के लिए। उसमें एक मैना भी साथ में लग गई आग बुताने के लिए, एक तालाब में चोंच में लेकर के पानी और उस गांव में जहां पर आग लगी हुई थी वहां गिरा रहा था। बस इसका काम यही था। अंत में जाकर के सारे आदमी भाग गए, गांव नहीं, आग नहीं बुता, वो मैना उसमें लगी रही, मैना उसमें लगी रही। एक कौवा आकर के बोल दिया, यार तुम्हारा जो है, तुम एक चोंच में पानी ले जाकर के वो आग नहीं बुतने वाला है। तो मैना ने एक शब्द बोल दी, बहुत बढ़िया शब्द लगा हमको और अभी भी हमको अच्छा लग रहा है, उसी के शब्द पर हम चल रहे हैं कि इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि आग हम बुताने में काम किए हैं और कौवा का नाम नहीं आएगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, क्योंकि हमने आग बुताने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भूखे नंगे प्यासे आदमी को कहीं से कोई पूछने वाला नहीं है, खिलाने वाला बंदा नहीं है, उसको हम एक टाइम फीडिंग करवा रहे हैं। बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं, अरे उससे क्या होगा, आगल पागल आदमी को खिला पिलाने से, लेकिन हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इतिहास मेरा रचा जाएगा, आप लोग साथ दीजिए, बस हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने सर के माध्यम से समझे और जान पाए कि सर बताए कि हम मानव सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं भी आपको वही चीज बताया कि हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आपस में डिस्कस करके ये चाहते हैं कि आपस में हम समाज में किस तरह से मानव सेवा किया जाए, किस तरह से लक्ष्मी सेवा किया जाए। जैसे कि हम सुशील सर के यहाँ लगभग 5 साल से प्लस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आपस में रामगढ़ जी डिस्कस कर रहे थे कि सर हम लोग क्या किया जाए कि जिससे हम लक्ष्मी सेवा में जुड़े हुए हैं। तो सर बोले कि सर कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि हम आगे लोगों को जागरूक कर सके, कुछ अच्छा चीज दे सके, कुछ अच्छा रोजगार दे सके, या अगर भटके भटके जो आदमी है उनको हम दो टक वक्त की खाना खिला सके। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग आपस में इस तरह से करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आपको बस यही हम आज के इस वीडियो में दिखाना चाहते थे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और एक छोटा इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, बस इसमें आपका प्यार दिखता है मुझे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।